दिल उसको दीजिए, दिल उसको दीजिए, दिलदार यार हो हिंदू हो या मुसलमान, कदरदार यार हो। अरे वाह। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? नाम क्या आपका? नाम मेरा है भगवान दास। भगवान दास। रहने वाला मैं वही का हूँ जहाँ कृष्ण भगवान पैदा हुआ, वो मेरा घर। रहने वाले कहाँ के? थोड़ा तेज बोलना अंकल। यूपी मथुरा। मथुरा के रहने वाले हो? जहाँ कृष्ण जी पैदा हुआ वो मेरा घर। अरे वाह अंकल जी, जहाँ कृष्ण जी पैदा हुए वो आपका घर है, बहुत बढ़िया। तो अंकल जी उम्र मेरे को आपकी 70-75 साल लग रही है, यही उम्र? उम्र आपकी 70-75 साल लग रही है। वैसे उम्र तो इसके लिए कि मैं शुरू से बचपन से मेहनत करता रहा हूँ, तो जरा इसलिए। तो इतनी उम्र में अंकल, इतनी धूप के अंदर आप क्या करें? करना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ के लिए, बाकी ऊपर वाले की कृपा है, डाल देती हूँ। बच्चे मेरे लायक हैं वैसे। बच्चे क्या करते हैं अंकल जी? एक बच्चा मेरा चांदनी चौक में लगा हुआ है। ठीक है। के पास दुकान है, जड़ी जड़ी गोटा वगैरह ऐसे चीज है बेंची। ओके ओके। और एक लड़का अमेरिकन एम्बेसी में। अच्छा। मैं भी अमेरिकन एम्बेसी में था पहले। अच्छा अंकल जी, तो फिर ये खिलाड़ी करता था, तो यहाँ पे फिर ये खिलौने के बेच। पता हूँ उम्र हो गई, वैसे खाली बैठना है तो घर बैठना है, यहाँ सौ 150 ले जाएंगे कमा। कितना कमा लेते अंकल रोज का? यहाँ से 100-150 बस। और क्या जी, आपको पता है खिलौनों से कोई रोटी चलती है वो तो। तो बच्चे पूरा सपोर्ट करते हैं अंकल आपको? हाँ पूरी सपोर्ट। पक्का ना? भाई ये चला के दिखाना कबूतर क्या है। हाँ ठीक है, जरूर चलाएंगे। बोलिए क्या चलाएंगे? हर चीज़ चलेगी। कबूतर लो, कबूतर हर चीज़ चलाओ जी भाई, एक चीज नहीं हर चीज़ चलेगी और गारंटी से चलेगी। बोनी बोनी होगी अंकल जी? अभी भी आए थे आप? थोड़ी देर पहले आए, एक डेढ़ घंटे। तो बोनी अभी हुई है? हाँ पहले हो गई थी, एक और यहाँ पे किया था। अच्छा, एक पहले हो गई थी बोनी। कितने बजे तब तो खाना पीना फिर कैसे करते हो? मैं तो अभी चला जाऊँगा, तो 4:30 बजे। 4:30 चले जाओगे? घर कहाँ पे आपका? पटेल। पटेल जाओगे कैसे अंकल? बस से जाते हो? चलने वलने में दिक्कत नहीं होती अंकल चलने वलने में? इतनी उम्र आपकी? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत तो होती है, ये आपको पता है उम्र के लिए, बाकी ऐसी कोई परेशानी, इसीलिए थोड़ा खिलौनों का काम। सामान कहाँ से लाते हो अंकल आप? सदर बाजार। आप ही लेकर आते हो सामान भी? दूसरे तीसरे दिन जाते हैं, दो चार। बॉडी बॉडी पूरी फिट है या फिर कोई? बॉडी पूरी फिट है? हाँ ठीक है। खांसी खांसी जुकाम सर्दी के चक्कर में तो नहीं है? थोड़ा बहुत तो होता ही है, फिर आपको पता है उम्र के लिए। आई टाइम तो पूरा करना ही पड़ेगा ना जी, जो उसने मंजूर कर दिया, ऐसी तो कोई परेशानी। बेटी भी अंकल आपकी है जी? बेटी भी आपकी? एक बेटी है जी, तीन लड़के थे, तीन बहू है मेरी। अच्छा। और बच्चे मेरे इतने लायक हैं, बहू मेरे को ऐसी मिली हुई है कि आपको क्या बताऊं। अच्छा सर। लाखों में एक आपकी बहू? हाँ जी। अंकल काम और भी कर सकते थे फिर? नहीं, करने को तो कर सकते हैं, लेकिन मैं पैसे की लालच से नहीं आता। पैसे बस खाली आप टाइम पास? मैं बस टाइम पास करने आता हूँ, आप तो कमाई वाला तो। अच्छा। नहीं तो आपको पता ही है लोग 10-10 बजे तक बैठते रहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप 4:30 निकल जाए? गर्मियों में तो 2-2 बजे तक मैंने देखा था। मैं सिर्फ जब तक बैठने लगता हूँ 5 भी नहीं बजने देता, मतलब है 4:30-4:45 से बोरी बिस्तरा बांध के। तो सुबह सुबह जब टाइमिंग की आपकी उठने की, सुबह की? मैं उठता हूँ जी 6 बजे। पार्क को पार्क जाते हो? अच्छा। पार्क भी जाता हूँ, कभी नहीं भी गया। सवेरे 6:30-6:30 चाय चाय पीता हूँ, नहा दो के बस। खाना वाना अंकल बहुए बनाते हैं या फिर आप बनाते हैं? अच्छा, पूरी सेवा करती हैं। अगर होने से भी खाना हमने बनाया तो क्या फायदा हमारी? सही बात है अंकल, सही बात है। हमारी दो घर हैं हमारे, तो आपकी जो बेटी थी उसकी शादी कहाँ करी आपने? बेटी की शादी
अमल नगर, वो भी खुश है। नहीं हमेशा परमात्मा से बहुत खुश रखे अंकल जी। बाकी पैसे से कभी पेट भरा है? पैसे से किसी का पेट नहीं भरा। सारी दिल्ली मेरे नाम कर दो, कभी मैं सोचा मुंबई भी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली अंकल आपने। हाँ हाँ, इंसान को थोड़ा सा मिल जाए फिर कहता और मिल जाए, फिर कहता और मिल जाए तो फिर और मिल जाए। एक दिन में सुबह फोन ही नहीं हुई थी मेरी। अच्छा, ऊपर वाले ही भोले शंकर को ज़्यादा मानता हूँ। भोले शंकर को मानते हो? अच्छा, वो बड़ी कृपा करते हैं। क्या हुआ फिर, पूरी स्टोरी बताओ क्या हुआ। मतलब शाम तक बैठा रहा, नहीं हुआ। मैं कोई बात नहीं बोले, मैं बोल ये सामान फोन अपना थैले में रखना, चल दिया ले आगे रखते हैं पाँच सौ का। अच्छा, मतलब एक दिन आप पूरा दिन बैठे रहे, कुछ कमाई नहीं हुई, भोलेनाथ का नाम लिया, पैकिंग करके जा रहे थे, रास्ते में 500 करोड़ मिल गया। क्या बात है अंकल। मतलब पैकिंग करते ही सामने नजर आ गया रोड, या उठा के चल रहा था, रोड पे मिल गए। तो किस्मत में था अंकल आपके पैसे वो। नहीं ये बात तो है अंकल, जब ये लोग कहते हैं ना कि सच्चे दिल से अगर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोग तो ये कहेंगे हमें लखपति बना दो, तो लखपति बनेंगे, फिर कहते हैं करोड़पति बना दो, फिर कहते हैं अरबपति बना दो। वो भूख मिटती नहीं अंकल, जितना भगवान ने दिया उसमें सीमित रहना चाहिए। नहीं अंकल, जितना भगवान ने दिया उसमें सीमित रहना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि जिंदगी दी है अंकल, हम अच्छे कर्म करना हमारे हाथ में, अच्छा हमने करना है, हमने देखना है। कोई शायरी वायरी भी गा लेते हो अंकल? शायरी गा लेते हो? शायरी वायरी भी करता हूं। एक शायरी हो जाए, एक शायरी हो जाए अंकल जी। बोलो कौन सी शायरी? कोई भी अच्छी शायरी एक समाज के लिए। सुनिए जनाबी आला, सुनिए जनाबी आला, क्या कहता है शेर वाला, शेर सुनना गौर से फिर बात करना किसी। अरे वाह अंकल जी वाह। एक शायरी हो, कंकड़ खिला कुआ पे कंकड़ खिला, वन में खिली कपास, पर्वत पर शिव जी के लिए माता पार्वती। क्या बात है। ले लो उसको दीजिए, ले लो उसको दीजिए, दिलदार यार हो हिंदू हो या मुसलमान, कदरदार यार। अरे वाह अंकल, ये तो जान डाल दी अंकल आप। ये वाला दोबारा हो जाए अंकल, ये वाला दोबारा हो जाए दिल, और नहीं ये वाला दोबारा हो जाए, लास्ट वाला दोबारा करो। दिल उसको दीजिए, दिलदार यार हो हिंदू हो या मुसलमान, कदरदार यार। क्या बात है अंकल जी, मजा ही आ गया अंकल, जबरदस्त। चांदना चांद नहीं करते, रोज नहीं सुनो, रोशनी चांद से होती है, रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं होती, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं होती। क्या बात है अंकल जी, बहुत बढ़िया। ये छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अब क्या बात है अंकल, इतने तगड़े शायर हो अंकल आप। इतनी इसकी पलट भी बनाई है मैंने। जी जी जी। छपाई छिप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में मेल हो। क्या बात है अंकल, अरे वाह, तगड़े शायर निकले अंकल आप तो। छुपर उस वो कमर बनी हुई थी नीचे, कमर से आवाज आ रही थी, चलने वाले जा रहे थे लोग ठोकर मार मार के, चलने वाले संभल के चल, ठोक रहे क्यों मारते, हम मर गए तो क्या हुआ, हम भी तो कभी इंसान। क्या बात है अंकल, अब रुला के मत भेजना, बहुत अच्छा अच्छा आपने शायरी मेरे सामने रख दी है। और हजारों मंजिलें होंगी, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, लोग हमको ढूंढेंगे न जाने हम कहाँ। क्या बात है अंकल, मजा आ गया। दिन होगा तो रात भी होगी, दिन होगा तो रात भी होगी, बादल छाएंगे तो बरसात भी होगी, आप मेरे बिछड़ने का गम ना करना, जिंदगी रहेगी तो मुलाकात भी होगी। क्या बात है अंकल, जबरदस्त। दिन आपको पता है घर कितने दिन बैठे। मेरे को शायरी तो आती नहीं अंकल, लेकिन मैं आज
थोड़ा आपसे कुछ सीखा हूँ और एक दो लाइन बना के बोल देता हूँ, अगर अच्छी लगे तो वाह वाह करना, टूटी फूटी कर दूंगा लेकिन कोशिश करूँगा बनाने की। मेरे को हजारों मिले करोड़ों मिले, मेरे को चाहने वाले हजारों मिले करोड़ों मिले, लेकिन मेरे को आप जैसे अंकल आज पहली बार मिले। लव यू अंकल, ये कोई शायरी नहीं थी लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी बनाने की। जी जी जी, तो अंकल ये सामान कितने का होगा सारा? अच्छा, मेरे से मिलके खुश हो आप? पक्का दिल से कह रहे हो मेरे से मिलके खुश हो? पक्का? बहुत पक्का। लोग जो करते हैं ना उल्टी सीधी बातें, मैं साफ आदमी हूँ, मैं साफ बात करता हूँ। मैं अंकल, मेरे को सौभाग्य है, फेरी वाली मेरे अंदर कोई किस्मत वाला अंकल मेरे को, अंकल आपने इतनी अच्छी बात बोली कि आप मेरे से मिलके बहुत खुश हो। नहीं नहीं, लव यू अंकल। अब ये बताओ अंकल, ये सामान टोटल कितने का है? 700-800 का। तो आप एक काम करो, आप रेस्ट करने जाओ, टाइम हो गया है वैसे भी घर जाने का आपका। मैं ये सारा सामान खरीद लेता हूँ अंकल जी, ठीक है? ये अंकल 1000 रुपये आपको, मैं एक प्यारा सा बच्चा समझ के इसको मेरा तो प्यारा तोहफा समझना। है अंकल जी, ले कैसे जाऊंगा? दिल से बताऊं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को बस 2-3 आइटम दे दो आप, मैं अपने भतीजे को दे दूंगा और बाकी सब आपका है अंकल जी। और ये सांप जो मेरे को दिख रहा है ना, ये तो मैं पता कहाँ यूज़ करूँ अंकल, मेरा एक चैनल और है जिसमें लोगों को हंसाता हूँ मैं, तहलका प्रैंक के नाम से है ये, उसमें यूज़ करूँगा मैं लोगों। अब आपको जो चीज़ पसंद है वो? नहीं, मेरे को 2-3 आइटम चाहिए बस, ये 2 तो अंकल सांप दे दो मेरे को आप, ठीक है जी? और 2 आइटम और दे दो प्यारे प्यारे, एक साइकिल दे दो अंकल। बस अंकल, एक ये भी, एक काम करो, ये मत दो आप, ये ले रहा हूँ बस। और कोई नहीं? कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, कमाल कर रहे हो बस, ठीक है, भतीजा खुश हो जाएगा इसमें ही। बच्चों के लिए कुछ भी? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। नहीं अंकल, चूहा? ये कितने का चूहा? अबे ये मत पहले बताओ, वैसे कितने का है? 50 रुपये का है। चलो, आपका दिल रखने के, आपका दिल रखने के लिए ये ले लेता हूँ। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं अंकल जी, नहीं नहीं, धन्यवाद। चलो अंकल जी, बाय बाय, अब घर चले जाओ, आप घर चले जाओ। हाँ, मेरा नाम अंकल सनी आ रहा है, तो दुआ करना बस, हमेशा मैं खुश रहूँ, ठीक है अंकल जी? ओके।